उम्मीद करती हूँ क्या कह रही थी, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। तो भाई मामा को आज छठा दिन हो गया कंटिन्यूसली बाजार जाते हुए, उनकी हिम्मत है। हम तो एक दिन भी नहीं जा सकते, हम तो थक जाते हैं। मामा के मुंह पे आज थकावट दिख भी रही थी कि वह थकी हैं, लेकिन उन्होंने आके सारी भी बनानी होती है, सारा किचन भी साफ करना होता है, सफाई भी करनी होती है, और थोड़ी हल्त हम भी करा देते हैं, बर्तन वगैरह हम लगा देते हैं और चटाई हम बिछा देते हैं। इफ्तारी के टाइम थोड़ी सी हम भी हेल्प कर देते हैं। और मोहम्मद अली तो यहाँ पे सो भी गया है। इफ्तारी तो हमने अभी भी किया है, ये तो अभी से ही नींदों में मसरूफ है अपनी। पता नहीं अभी से होमवर्क किया या नहीं, मैं भी अपना होमवर्क ही कर रही थी, वरना फिर नींद आती है और फिर हम अपना काम नहीं कर पाते। और मामा ने कुछ चीज़ें लाई हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। घर की कुछ चीज़ें होती है ना, हम कहते हैं एक्सेसरीज या फिर क्रॉकरीज, तो फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मामा क्या क्या लाई हैं और किसके लिए लाई हैं। आपा देख रही है मोबाइल, वो भी बुक खोल के सामने मोबाइल पे पढ़ रही है। आपा पढ़ रही हो ना मोबाइल पे, है ना। और बाजी, बाजी तो बाजी पढ़ रही है। फिर उसके बाद फिर आपको तो ईद का मजा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जब बड़ी क्लासेस होती है ना, उनके फिर पेपर ज्यादा दिन चलते रहते हैं, खत्म तो होते ही नहीं, हर वक्त पेपर ही होते रहते हैं। और यहाँ पे किसी ने विंडो खोल दी है बर्तन वाली, और वो ऊपर कुछ जार भी गिरा पड़ा है। हाँ, इसे सीधा करके फेंकना पड़ेगा। और आप क्या लाई हैं बाजार से? इतनी चीजें लाने वाली थी और मैं थक गई हूँ, मैंने देखी नहीं चीजें कोई भी। ये देखी कुछ तो मेरी वो सिलाई वाली चीजें थी, वो लेके आई हूँ। हाँ, वो कुछ टेलर को देने वाली थी वो दी है, और कुछ जो थी वो घर की चीज़ें होती हैं जैसे वो लाई हैं, और जैसे ये क्रॉकरी की चीज़ें थी वो लाई हूँ, और फिर कुछ छोटी मोटी और बड़ी चीज़ें थी जिनमें बड़ा टाइम लगता है और बड़ी थकावट हो जाती है। मैं तो सोई हुई थी। हाँ, आप सोई हुई थी। हाँ, मैंने बल्कि वो उधर बाहर से कुछ चीज़ें उठा ली हैं, और कुछ ना टीवी ट्रॉली पे पड़ी है, वो उठा लाओ यहाँ पे रखे। हाँ, लेके आओ, रखे यहाँ पे। ये मेरे ख्याल का प्यार है, ग्लास है, और इस तरह की और भी छोटी मोटी चीजें हैं। ये सारी और भी होंगी, वो मामा रख रही होंगी। ओ, डब्बे पे तो कुछ हर ना हुआ था, ये धंधा से कुछ हर निकला। ये ग्लास हर दफा मामा कुछ नया लाते हैं, नए स्टाइल के ग्लास लाती हैं। और ये प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। मामा जी, रखने की तो जगह नहीं है पहले ही, फिर आप और ले आई हैं। हाँ, जितने ज्यादा उतने काम होते हैं। अब मैं इसे लेके जाती हूँ किचन में, क्योंकि मामा ने मुझे कहा था इसे अंदर लेके आओ किचन में, और मैं यहाँ पे देखने लग पड़ी हूँ। अब इसे लेके चलते हैं। पहले तो हमारी शॉपिंग पापा ही कर लेते थे, लेकिन अब मामा और पापा दोनों जाते हैं, और कभी कभार तो मामा खुद भी अकेली भी जाती हैं। तो आज सारा किचन मैंने साफ किया है, ये जिस तरह मुझे आता था मैंने उस तरह कर दिया। और हमारा ऑर्गेनाइजर हमने नया लेना है, तो जब तक वो नहीं आता हम तब तक टोकरी में एक बर्तन रख देते हैं, फिर बाद में जब आएगा तो सारे बर्तन हम सेट करेंगे। तो एक जो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी वो ये है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, मैंने आपको कहा था और आपने कर दिए, और वो भी रमज़ान में। तो अब हम सेलिब्रेशन करेंगे इफ्तारी के बाद, कल करेंगे या फिर परसों करेंगे, क्योंकि अभी तो इफ्तारी गुजर गई ना, और हमने अभी देखा था कि हमारे 100 सब्सक्राइबर हैं और हमें इतनी खुशी हुई। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। इसी तरह आप अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें, और हमारे 500 सब्सक्राइबर भी कर दें ताकि हम इससे भी बड़ी सेलिब्रेशन करें। मैंने आपका कहा था कि जैसे हमारे सब्सक्राइबर और बढ़ते जाएंगे, हम और बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे और आपको भी शामिल करेंगे।
हाँ शामिल भी तो करना जरूरी है ना। तो ये टाइम हो रहा है मतलब 12 बजने वाला है। अभी आओ अब पता है कि बाजी लोगों ने खाना है कि नहीं। यम्मी 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 है ये नाइट मैं मदली की फेवरेट चीज है लेकिन उसे बताना नहीं वरना वो से बार आएगा। क्या खा लिया उसने भाई ने ना पहले उधर आए हुए थे अंदर खा के गए। कोई बात नहीं वो लेके भी तो तुम्हारे लिए आए हैं ना। ये बेचारा इतना प्यारा है चोरी चोरी खा लो भाई तो खाया ना कितना खाएंगे। वैसे भी डाइट पे आज जिम भी जाते हैं सारी मेहनत जाया। हाँ अब वो जिम जाके फिर आके क्या करते हैं आके जो खाना खाते हैं डाइट वाला नहीं खाते। अच्छा नजर पड़ी ये भी खा लेता हूँ। हाँ जिस पे नजर पड़ी वो खा लेते। फिशी केले केले एंजॉय नहीं पापा भी हैं। पापा भी शामिल हो गए खत्म हो गया फिनिश आज देखो मैं आज करते हैं पिज़्ज़ा एंजॉय और टाइम भी काफ़ी हो गया और इसी ब्लॉग का करते हैं मैं यहाँ पे एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।